स्वागत है दोस्तों इस वीडियो में। पिछले वीडियो में मैंने कन्विंस किया था और बताया था आपके कमेंट्स के बारे में कि इस तरह के आप लोग पूछते रहते हैं कि कैसे कहाँ जॉब करें। चलिए आज एग्जांपल लेते हैं। ये एग्जांपल में मैं नाम को ब्लर कर रहा हूँ, बट मैं बताना चाहूंगा ऐसे लगभग 40 लोगों के लेटर के संबंध में मुझे जानकारी है कि ये है बिहार स्टेट में ब्लॉक कोऑपरेटिव एक्सटेंशन ऑफिसर BCO का पोस्ट रहता है, आजकल आया हुआ है, सहकारिता प्रसार पदाधिकारी, प्रखंड सहकारिता प्रसार पदाधिकारी, उस पोस्ट पे काम कर रहे थे। और उस पोस्ट पे काम करने के बाद उनको वो पोस्ट नहीं जमा और वो वापस रेलवे में आ गए। तो आप ये पूछ सकते हैं ऐसा कैसे होगा, रिजाइन करके गए और वापस रेलवे में आ गए। तो तीसरा मेरा वीडियो देखिएगा, वो टेक्निकल रेजिग्नेशन और रेजिग्नेशन जो सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज को मिलता है उसके लिए है। तो ये स्टेशन मास्टर में वर्क कर रहे थे, स्टेशन मास्टर में थे, मालदा डिवीजन में वर्क कर रहे थे और वहां पे से काम करने वाला स्टेट BCS में इनको स्टेट SSC की, बिहार SSC की तरफ से इन्हें जॉब हुआ। उस जॉब में जाकर इन्होंने 2 साल काम किया। 2 साल काम करने के बाद जब इन्हें नहीं जमा तो वापस ये स्टेशन मास्टर, वो भी लेवल 7 में नहीं, लेवल 6 में वापस आ गए। लेवल 6 में आकर रिक्वेस्ट डाला और वापस आके अपने डिवीजन में ज्वाइन किया। तो पिछला वीडियो जिसमें आप लोगों को MTS Group D और सभी के बारे में मैंने सलाह भी दिया और क्लैरिफिकेशन भी दिया कि क्यों दिया है, अगर नहीं करना चाहते तो मत करिए उसे, आप स्टेशन मास्टर में आइए या रेलवे के किसी भी जॉब में, दैट इज अ फार बेटर जॉब, वो बहुत सही है जॉब करने के लिए। तो पॉजिटिविटी एक माइंड की तो होनी जरूरी है। तो उस सिचुएशन में यहां आप देखिए, यहां पे अगर आप देखते हैं 4600 में ये जाके जॉब कर रहे थे, वापस 4200 में आते हैं, स्टेशन मास्टर में आते हैं, वो स्टेट में थे, यहां सेंट्रल में आते हैं, वो स्टेट में हो सकता है कल पेंशन भी जारी कर दिया जाएगा, उसे छोड़ करके वापस इसमें आ रहे हैं, वहां वो सहकारिता प्रसार पदाधिकारी थे, अधिकारी तो लगा हुआ था, यहां तो वो भी आपको नहीं लगा हुआ है। और रही बात स्टेट का जॉब था, स्टेट के जॉब को नॉर्मली लोग प्रेफर करता है, होम टाउन था या होम स्टेट था, उस जॉब में थे, वहां से वो वापस वो दूसरी जगह चले गए, यानी सारी चीजों को, होम टाउन को छोड़ा उन्होंने, सैलरी थोड़ी कम हुई होगी या जो भी हुआ रहेगा, या सैलरी का फर्क देखा उन्होंने या वर्किंग का देखा, वहां तो रिलीवर टू रिलीवर ड्यूटी भी नहीं थी, वहां नाइट ड्यूटी का भी प्रेशर नहीं था, वहां किसी भी तरह का बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला नहीं था, स्टिल उसे छोड़ करके ये इसमें आ गए। और अगर आपको और एक दो लोगों के चाहिए तो मैं आने वाले वीडियो में 2-3 लोगों का और एग्जांपल देता हूं। ऐसे मेरे पास 40 एग्जांपल्स ऐसे हैं जिन लोगों ने ये सारे जॉब अलग अलग पोस्ट के छोड़ते हुए वापस स्टेशन मास्टर या रेलवे के एक दो कैटेगरी में वापस लौट गए जहां वो वर्क कर रहे थे। अब व्यक्तिगत मिले तो उनसे पूछिए आखिर उनके क्या रीजन रहे, लेकिन सामने अगर प्राइमा फेसी देखा जाए सामने में क्या रीजंस रहे, तो शायद उनको इस जॉब में वर्किंग कंडीशन, वर्क कल्चर और बाकी चीजें सही लगी होगी उस जॉब के मुताबिक, तो आ गए, हम तो यही समझ सकते हैं। तो यह चीज मैंने सिर्फ इसलिए बताया है कि ये भी ऑप्शंस है। जो यहां नेगेटिविटी में कहते हैं कि चलिए भाई 20,000 की भी मिल रही है सैलरी तो ज्वाइन कर लो, तो आप देख लीजिए आपको क्या जमता है, आपको कैसा कैलकुलेशन लगता है, आपको कैसा लगता है करने के लिए। यहां मैंने यह भी उदाहरण दिया है, पिछले वीडियो में कन्विंसिंग भी समझाया, तीसरा वीडियो में रेजिग्नेशन और टेक्निकल रेजिग्नेशन समझाता हूं, शायद वो आपके लिए और बेनिफिशियल हो। तो ये एक उदाहरण था, आगे 2-3 उदाहरण में आने वाले वीडियो में और देता हूं जिससे शायद आपको क्लैरिटी मिल जाए, क्योंकि अभी धीरे धीरे आप सभी लोग NTPC में ज्वाइन करने जा रहे हैं इसलिए बता रहा हूं। अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए और कमेंट भी करिए। धन्यवाद।